अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहिद इकबाल रेहान, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और व्यूअर्स, आज हमारे पास मौजूद है J5 Pro, जो कि जो है पाकिस्तान में भी लॉन्च हो गया। 31,999 रुपये इसकी कीमत है। इसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें अवेलेबल है 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, 2 GB RAM, 16 GB ROM, ओक्टा कोर, 1.6 GHz प्रोसेसर। इसमें डुअल सिम अवेलेबल है, माइक्रो एसडी कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसमें अवेलेबल है, और इसमें वाईफाई अवेलेबल है, डुअल बैंड वाईफाई डायरेक्ट, हॉटस्पॉट, USB 2.0 है। तो अब इसको फाइनली इसको ओपन करते हैं, ओपन करके इसको देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या जो है वो किस तरह से नज़र आता है, और इसमें क्या एक्सेसरीज वगैरह हैं। इसका बॉक्स ओपन करते हैं। बॉक्स ओपन करने के बाद इसको अंदर से देख लेते हैं कि ये किस तरह का है। ये फाइनली हमारे पास गैलेक्सी J5 Pro हमारे पास मौजूद है, और इसके जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। पीछे उसके दो जो है वो एज से बने हुए हैं, निशान बने हुए हैं, ये काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं, वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और इसके अलावा इसमें 160 ग्राम जो इसका वेट है, और पिक्सल भी इसके काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। एंड्रॉयड 7.1 नोगट इस्तेमाल किया गया इसमें। तो इसके ऊपर होम बटन भी मौजूद है, फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो भी इसी बटन में। अब इसके बॉक्स में देख लेते हैं कि बॉक्स में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। पेपर वर्क है यहाँ पर, इसमें इसको यूज़ करने के कुछ तरीक़ेकार हैं। ये चार्जर है और शिट इसमें जो है वो इसको क्विक चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता। चलो बहरहाल, इसमें है ये हमारे पास इसके जो हेडफोन्स हैं, काफ़ी सैमसंग के जो ओरिजिनल हेडफोन्स काफ़ी ज़बरदस्त होते हैं। ये माइक्रो जो इसकी है USB 2.0। अब इसको फाइनली एक साइड पे रखते हैं और देख लेते हैं गैलेक्सी J5 Pro। ये हाथ में काफ़ी जो फिट आ रहा है, ना एक हाथ से इसको इजीली चलाया जा सकता है। इसको हटा के इसको साइड पे रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसकी स्क्रीन वगैरह जो प्रोटेक्टर वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और इसको अभी ऑन करते हैं, और ऑन करके जो है वो इसको देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। शक्ल से काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में। अब उम्मीद है कि ये खूबसूरत होगा दूसरे फ़ोन स्मार्टफोन के साथ। अगर S7 के साथ गैलेक्सी जो है वो S7 के साथ इसको कंपेयर किया जाए तो उसके मुकाबले काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसकी बैक साइड का कलर जो है, और जिस तरह से वो इसकी चमक वगैरह है, काफ़ी अमेजिंग है, इंटरेस्टिंग। तो अब इसके जो दोनों साइड पे नीचे और ऊपर ये जो लगे हुए हैं एज से, वो काफ़ी खूबसूरत है। इसके अलावा इसमें डुअल सिम यूज़ कर सकते हैं। ऊपर की तरफ कैमरे के साथ जो स्पीकर के साथ सेंसर वगैरह अवेलेबल हैं, और नीचे जो है इसके होम बटन है, होम बटन के अंदर जो फिंगरप्रिंट सेंसर भी अवेलेबल है। और इसके अलावा इसमें आप यूज़ कर सकते हैं दो कार्ड्स, सिम्स कार्ड्स, और इसके अलावा माइक्रो एसडी कार्ड यूज़ करते हैं। वॉल्यूम बटन भी अवेलेबल है ऊपर की नीचे की तरफ। USB जो है वो अवेलेबल है, ऑडियो जैक भी अवेलेबल है, माइक है, ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं है। और ये है गैलेक्सी J5 Pro, और अब इसको ऑन करते हैं कि कैसा नज़र आता है। एंड्रॉयड का जो है वो लोगों साथ शो हो रहा है गैलेक्सी J5 Pro के, ज़बरदस्त। ये चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं, अमेजिंग। ये ऑन हो जाए, फिर इसकी सेटिंग करते हैं। इसको फाइनली जो इसके फर्स्ट टाइम स्टार्ट होने में जो रिक्वायरमेंट होती हैं, अब इसको स्टार्ट यहाँ पर वाईफाई छोड़ते हैं, स्किप नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ पे इसका जो स्पीड वगैरह को देख लेते हैं। स्कैन योर फिंगरप्रिंट सेंसर, या इसको टच करके फिंगरप्रिंट सेंसर लग गया, ओके नेक्स्ट नेक्स्ट, अमेजिंग, काफ़ी ज़बरदस्त टच है इसका। और ये फाइनली हमारे पास हमारा सैमसंग J5 Pro अवेलेबल है, और वाओ अमेजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई, एडवांस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसमें इंस्टॉल हुआ है। तो काफ़ी ज़बरदस्त इसका जो है वो टच, और जो है वो इसका बाकी चीज़ें काम कर रही हैं। और फाइनली इसकी सेटिंग्स वगैरह में अबाउट फोन में देखते हैं, नोगट का 7.1 इस्तेमाल किया गया इसमें,
और इसके अलावा इसका जो है ब्राइटनेस काफ़ी ज़बरदस्त है, ब्राइटनेस अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग है मुझे। और इसको अगर कंपेयर करते हैं हम गैलेक्सी एस 8 प्लस के साथ, तो ये आप देख लेंगे उसके ऊपर जो है वो सैमसंग का लोगो भी नहीं है, इसका भी सैमसंग का लोगो नज़र आ रहा है। इसके ऊपर का जो है हिस्सा वो थोड़ा ज़्यादा है, उसका थोड़ा कम है। और इसके अलावा अगर हम बाकी सेटिंग्स को भी देखते हैं तो वो भी काफ़ी अमेजिंग है। और जो इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काफ़ी मिलता जुलता नज़र आ रहा है। और इसकी कैमरा का टेस्ट करते हैं तो कैमरा इसका काफ़ी ज़बरदस्त है, बैक कैमरा और वो टच फोकस के साथ, और जो फेस डिटेक्शन वगैरह इसमें अवेलेबल है तो इस काफ़ी ज़बरदस्त है, अमेजिंग फोकस है इसका। और अब इसके जो पिक्चर के कैमरा की सेटिंग वगैरह भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें देखने को मिल जाती है काफ़ी सारी चीज़ें, नाइट मोड है और प्रो पैनोरामा और दीगर चीज़ें, नाइन सेकेंड आफ्टर टाइम बैकग्राउंड साउंड, और इसको जो है वो टाइम सेट वगैरह कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं और टाइमर वगैरह लगा सकते हैं। और ये हमारे पास है गैलेक्सी J5 Pro। इसके बैक साइड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, हाथ में इजीली आ जाता है, एक हाथ से इसको इजीली चलाया जा सकता है, ना ऊपर की तरफ से ज़्यादा है ना नीचे की तरफ से, ना दोनों साइड से। बहरहाल फाइनली बहुत ही ज़बरदस्त है, इसमें होम सेट भी है, इसका पैटर्न वगैरह सेट करते हैं। फाइनली अमेजिंग सेट है, स्मार्टफोन है, और 31,999 रुपये में पाकिस्तान में मिलेगा ये स्मार्टफोन। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप इस तरह की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।